आवास बोर्ड के ज़मीन पर आखिरकार आज 10,224 एकड़ की जो ज़मीन थी उसमें से 6 एकड़ पे प्रशासन ने कब्जा ले ही लिया। पहली जो टुकड़ी है 6 एकड़ में यह ज़मीन का, जिसमें SSB को मिला है, और इसमें SSB के जो जवान हैं वो इसे पहले बाउंड्री किए और इसमें अब वो कैंप लगा रहे हैं। SSB के जो जवान हैं वो खुद लगे हुए हैं पूरे कैंप लगाने में, उसको कब्जा किया गया। हालांकि जब उनकी टीम यहाँ पहुँची थी उस समय जो स्थानीय लोग थे वो काफ़ी उग्र हो चुके थे, उनके बीच झड़प हुई, पथराव हुए, आंसू गैस के गोले भी दागे गए और फिर एक बाइक में भी आग लगा दिया गया। जो प्रदर्शनकारी थे जो कह रहे थे कि ज़मीन हमारी है, हमारी ज़मीन पे सरकार कब्जा कर रही है, वो लोग विरोध कर रहे थे। हालांकि इसको लेके जिला प्रशासन पहले से ही कई बार तैयारी कर रखी थी। इसके पहले भी जब भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पहुँचा था तो जो लोग थे स्थानीय लोग से उनके विरोध के कारण वापस हटना पड़ा था। अब SSB ने इस पूरे इलाके में अपना कब्जा जमा लिया है। जो 6 एकड़ की जो ज़मीन है वहाँ पे पहला कब्जा इनका हुआ, उसके बाद राजीव नगर थाने की भी जो ज़मीन है 6 एकड़ में से उस पर भी प्रशासन ने कब्जा दिलाया, और अब जाके जो एक और जो केंद्रीय विद्यालय की जो ज़मीन है उसे भी कब्जा में लिया गया है और अब उसकी घेराबंदी की जा रही है और सीधे तौर पे बोर्ड भी लगा दिया गया है। हालांकि SSB ने तो पूरे तरीके से ब्रैकेटिंग कर दी है, जो कटीली तारे हैं उसे बिछा डाला है, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है और कैंप भी लगा दिया गया। अमन इनकी पर इनका प्रयास है कि अब इस जगह पे एक जो टुकड़ी है SSB की वो तैनात रहेगी कि जो भी स्थानीय लोग हैं वो पुलिस के जाने के बाद दोबारा इस पर अपना कब्जा नहीं जमाएं। जो आसपास के लोग थे उन्हें खदेड़ा गया, पुलिस ने लाठी चार्ज भी की, आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े। अब SDM है उनका कहना है कि मात्र 6 एकड़ जो ज़मीन है उस पर ही आज कब्जा दिलाने की बात की जा रही थी, इसके अलावा दूसरे जो भूमि है उस पर कब्जा दिलाने की कोई बात नहीं है। जो स्थानीय लोग हैं उनसे बातचीत हो रहा, उनके बातचीत के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। यह है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ज़मीन है, इसे भी अब कब्जा में ले लिया गया। तो अमन कह सकते हैं कि प्रशासन की कोशिश है आज कहीं ना कहीं सफल हुई, हालांकि इसके लिए पुलिस को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी, काफ़ी दौड़ भाग करनी पड़ी, झड़प हुई, पुलिस के द्वारा लाठी चार्ज किया गया और अब स्थिति नियंत्रण में है और यहां पे जो 6 एकड़ की जो ज़मीन है अब वो प्रशासन के कब्जे में है और जो संबंधित विभाग हैं उन्हें सौंप दिया गया है और उनके द्वारा यहां पे ब्रैकेटिंग की जा रही है। तो हालांकि इस ब्रैकेटिंग के बाद भी जो लोग हैं उनका आक्रोश नहीं थमा, इसी वजह से प्रशासन ने बाकी ज़मीन पर कब्जा की बात नहीं करके बिल्कुल 6 एकड़ पे ही आज कब्जे की बात करें और आगे इन लोगों को मौका दिया जा रहा है कि वो बातचीत करके पूरे मामले को सुलझाएं। गणेश सम्राट, न्यूज़ फॉर नेशन, पटना।